हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीपीएस इंस्टॉलेशन नॉलेज। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्कॉर्पियो की जीपीएस इंस्टॉलेशन विद रिले, स्कॉर्पियो S10। तो आ जाओ दोस्तों, शुरू करते हैं फर्स्ट स्टेप। तो एक बार पहले चाबी को ऑन करके बाद चेक कर लेंगे, इस तरीके का मीटर हमें देखने को मिलेगा। अब एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेंगे गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इंजन चेक वगैरह की जो लाइट है वो कोई ब्लिंक नहीं कर रही। तो अभी अपनी इंस्टॉलेशन शुरू करेंगे। इस गाड़ी के अंदर हम EV02 इंस्टॉल कर रहे हैं। ये 9 से 90 वोल्ट तक के बैटरी के ऊपर काम करता है। इसके अंदर मैं आपको वायरिंग बता देता हूँ। इसकी ये वायरिंग है, ये अर्थ के लिए थिम्बल दिया हुआ है, रेड पावर, ब्लैक अर्थ, ऑरेंज इग्निशन, येलो रिले कमांड की वायर है। और ये गाड़ी हमारी 12 वोल्ट बैटरी के साथ चलती है, तो इसके अंदर हम ये 12 वोल्ट का रिले इंस्टॉल करने वाले हैं। एक इन में जाएगा, एक आउट में जाएगा, एक इन आउट वाला हो गया ग्रीन वाली, और जो इसकी येलो और वाइट वाली वायर है एक पावर के अंदर लगेगी वाइट वाली, और जो येलो वाली वायर है वो हमारे रिले कमांड के अंदर लगेगी। गाड़ी जो है हमारी यहाँ से ओपन होगी, इसके अंदर कोई पेच नहीं है, सिर्फ लॉक के अंदर होता है सब कुछ, लॉक से खुल जाएगी। तो इसके अंदर ये 5 पेच दी हुई है, ये हम स्टीयरिंग के नीचे से खोल लेंगे बॉक्स को खोलने के लिए, क्योंकि इसके अंदर चाबी का जो कनेक्शन है वो इसी के अंदर मिलेंगे आपको। तो स्टीयरिंग के नीचे वाला बॉक्स खोलेंगे पहले, यहाँ इसके ऊपर भी पेच दिए हुए हैं, इनको भी खोल लेंगे। दो पेच ऊपर दिए होते हैं, बाकी 3 नीचे इसके यहाँ पे अंदर में पेच दिए होते हैं, एक यहाँ सामने और 2 यहाँ पेच होते हैं साइड साइड में। तो इन 3 पेचों को खोलने के बाद में इसका बॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। इसके नीचे आपको चाबी के कनेक्शन मिल जाएंगे जहाँ से हम रिले को इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे हैं, जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि ईजिली वो लोग इसकी इंस्टॉलेशन कर सके। तो अभी जो है हमारे यहाँ के सारे पेच निकल चुके हैं, अभी से निकालेंगे, ईजिली निकल जाएगा ये। तो इसके अंदर अभी आप जो देख रहे हो ये यहाँ से इसका लॉक है, और सेम ही लॉक इसके नीचे अंदर की तरफ भी होता है एक लॉक सेम। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ इसको उठा लें और ऐसे सोचे खुल जाएगा, तो नीचे वाला टूट जाएगा। तो मैं अभी आपको इसका निकाल के दिखाने वाला हूँ किस तरीके से लॉक निकलता है। पहले इसको ऐसे पिन पेच की मदद से उठा लेंगे, यहाँ से लूज़ हो गया हल्का सा। इसके बाद नीचे का भी हम दिखा देते हैं अभी आपको कहाँ पे लॉक होता है। तो इस तरीके आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये इसके अंदर इस तरीके की आपको देखने को थिम्बल्स मिलेंगी। तो इसके अंदर आप जोन सा भी मतलब इग्निशन वगैरह भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, पावर कौन सा और इग्निशन कौन सा है। तो इसकी जो है मल्टीमीटर से जो है पावर को चेक कर लेंगे। 20 पॉइंट पर इसको रखा है, मल्टीमीटर को 20 पॉइंट पर रखेंगे। जो हमारा मल्टीमीटर के अंदर जो ब्लैक वाली वायर है उसको अर्थ पे लगा लेंगे। यहाँ नीचे हमने इस पर लगाया है अर्थ के लिए, यहाँ पर हमने नट पे इसको अर्थ पे इसको लगा लिया ब्लैक वाले को। अब इसको पावर पे लगा के चेक कर लेंगे। यहाँ पे अभी हमारे को देखो 12.34535 ऐसे देखने को मिल रही है। तो ये हमारी जो है पावर की वायर है, ये हमारी पूरी येलो वायर है, ये हमारी पावर की वायर है, और दूसरे किसी के अंदर भी पावर अभी तो नहीं आ रही है, सिर्फ एक के अंदर ही पावर आ रही है जो पीली वाली है। तो मैं इसकी इग्निशन जानता हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सी वाली इग्निशन वायर है। तो अभी जो है हम इसको जंपर वायर की मदद से चेक करेंगे। पावर मैंने अभी आपको मल्टीमीटर से चेक करके दिखा दिए, तो जंपर वायर की मदद से आप बड़े ईजी चेक कर सकते हैं किसी वायर को। ये हमारी देखो इग्निशन वायर है, जैसे इसमें लगाते ही मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है इस वाली वायर के अंदर लगाते ही। तो ये जो हमारी इसके अंदर पीली वाली जो वायर है पतली वाली, वो हमारी इग्निशन है, और जो मोटी वाली है वो पावर की है। और आप चाहे तो मल्टीमीटर से भी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके से आप किसी भी गाड़ी का चेक कर सकते हैं इजीली। तो जो मतलब लग्जरी कारें होती हैं उसके अंदर ऐसा कभी ना करें, क्योंकि उसके सेंसर वगैरह उड़ जाएंगे। अगर आपको सही तरीके से आता है तो ही इस तरीके से चेक करें। इसके अंदर की थिम्बल को जो है हम 3 पेच की मदद से दबा के निकाल लेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा प्लग है, और ये हमारी इग्निशन की थिम्बल है, और ये हमारी जो है मोटी वाली वायर जो है पीली, ये पावर की है। आपको ऐसा देखने में समझ में नहीं आ रहा होगा, बाकी अगर आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सी मोटी और पतली वायर है। यहाँ पर जो है अपनी रिले की फीमेल वाली साइड इसमें डाल देंगे। हमने इसमें कोई वायर कट नहीं की है। इसके अंदर अपनी जो है
जीपीएस की इग्निशन वायर को डाल देंगे, जो हमारे मतलब कस्टमर को ऐप के अंदर अलर्ट देती है कि हमारी गाड़ी की चाबी ऑन है या ऑफ है। ये हमारी इग्निशन की वो अलर्ट वायर है, इसको इसके अंदर लगा लेंगे। इसके अंदर लगाने के बाद हमने अच्छे तरीके से लॉक कर दिया है इसको, उसके ऊपर टेपिंग कर देंगे सही तरीके से, क्योंकि जब चाबी हमारी ऑन होती है तो यहाँ पर पूरी सप्लाई आती है 12 वोल्ट की। अगर ये कहीं पर टच होती है तो आपकी गाड़ी जो है फ्यूज वगैरह उड़ाने लग जाएगी, स्पार्किंग वगैरह से दिक्कत होगी। हमारे जो है इग्निशन कनेक्शन डन हो चुके हैं। अब हमें जो है अपनी अर्थ को लगाना है। तो अर्थ के सिंबल को लगाने से पहले हम एक जगह पर इसको बांध देंगे ताकि कहीं इसको झटका वगैरह ना लगे और ये कहीं टूट टूट ना जाए। इससे क्या है कि आपकी जो वायर है वो सेफ रहती है। तो हमने जो है अपने अर्थ को यहाँ पर लगा लिया है नट के अंदर, एकदम बॉडी के अंदर जा रहा है। तो आप भी इस तरीके से सही जगह देख के लगाएं। हमारी ये जो वाइट वायर है इसको हम पावर के ऊपर लगा लेंगे। जी हमारे रिले को जो है पावर की सप्लाई देगा। तो जो पावर की वायर है वो हम ऊपर से कुंडी डाल के नहीं लगाने वाले, इसको भी हम अच्छे तरीके से फिक्स करेंगे। तो इसकी भी थिम्बल हम निकालने वाले हैं। थिम्बल के अंदर ही हमें लगाना है, सारी वायरिंग अंदर से करेंगे हम, कोई सी भी ऐसे नहीं ऊपर से कुंडी डाल के फंसा दिया उसके बाद में लूज़ हो गया दिक्कत होगी। तो ऐसे प्रॉपर तरीके से फिट करेंगे इसे। ये हमारा सेट हो गया। अब थोड़ी टाई की मदद से इसे टाइट कर देंगे, बांध देंगे। अब जो हमारी वायरिंग वगैरह यहाँ से डन हो चुकी है, अब हम इसके अंदर अपना जीपीएस जो है कनेक्ट करके देख लेंगे। इसके लॉक का ध्यान रखेंगे कौन सा किस साइड का है, एक नीचे का भी लॉक है इसमें। इसमें कट की आवाज़ आ गई और ये सेट हो चुका है, लॉक फिक्स हो गया इसमें। हमारी जो है रिले कमांड की पीली वायर रह गई है, तो पीली के साथ जो है हम पीली को लगा देंगे। तो रिले की जो ये पीली कमांड वाली वायर है इसके ऊपर हमने अभी टेप नहीं की है, तो इसमें पहले डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें देखो एक पावर की जो है लाइट जल चुकी है, तो यानी हमारा जो है कनेक्शन ओके है। अब इसके बाद जो हमने यहाँ पर ये खुली वायर छोड़ी है, इससे हम अपनी गाड़ी को एक बार रिले को जो है चेक करने के लिए इसको खुली छोड़ते हैं। एक बार चाबी को ऑन कर लेंगे, मीटर में लाइट आ चुकी है। तो हमारा रिले जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, तो मैनुअली एक बार चेक कर लेंगे, कहीं अर्थ पे टच करेंगे और गाड़ी हमारी जो है बंद हो जाएगी। ऐसे कि अभी देखो मीटर की लाइट जा चुकी है, अभी हटाते ही वापस आ जाएगी। वापस आ चुकी है इसकी लाइट, तो हमारा रिले जो है प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब गाड़ी के जो है हम जीपीएस को पैक कर देंगे। अब जो है सारी वायर को इकट्ठा करके इस पर टेपिंग कर देंगे और हमारा जो है हमने डिवाइस इस तरीके से पैक कर लिया है पन्नी के अंदर, ताकि इसके अंदर कोई पानी वानी ना जाए और इसकी वारंटी आउट ना हो, क्योंकि जो है आउट ऑफ वारंटी रहता है डिवाइस अगर इसके अंदर पानी चला जाता है। जो भी मोबाइल टाइप की एक्सेसरीज होती है जीपीएस वगैरह, तो इसके अंदर पानी आने के बाद इसकी वारंटी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हमने इसे पैक कर दिया ताकि इसके अंदर पानी वगैरह ना जाए। और ये इसका स्काई साइड है, ये इसका नीचे का साइड है। जब हम डिवाइस को लगाएंगे तो इस तरीके की पोजीशन में लगाएंगे। मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ कहाँ पे लगाना है। रिले को हम बड़ी टाई की मदद से अंदर बांध देंगे ताकि कहीं लटके उटके नहीं, क्योंकि अगर हमारा रिले भी अगर लूज़ होता है तो उससे भी दिक्कतें होती है, करंट वगैरह छोड़ देती है गाड़ी। तो जो हमने बाकी की वायरिंग को अंदर अच्छी तरीके से बांध दिया है, जो हमारी डिवाइस के साथ वाला जो वायरिंग है उसके ऊपर टेपिंग कर देंगे ताकि ये रंग बिरंगे अजीब से अलग से ना दिखाई दे। तो सेट करके और अंदर स्काई साइड फेसिंग करके इसको बांध देंगे, और किसी मेटल के नीचे नहीं बांधेंगे, ऊपर साइड बांधेंगे ताकि नेटवर्किंग अच्छी रहे। तो जब हमने डिवाइस को यहाँ पे स्काई साइड की पोजीशन करके लगा दिया, बांध दिया अच्छे तरीके से, आपका हमारा डिवाइस बंधा हुआ है।
तो दोस्तों हमारी जो इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, मैं भी आपको गाड़ी जो है पैक करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले इसका जो है बॉक्स बैठा लेंगे सही तरीके से। अब जो है इसका नीचे वाला जो हमने पार्ट निकाला था इसको अब लगा देंगे। इसके अंदर कोई पेच नहीं है, इसे सही तरीके से देख के बैठा देंगे ठोक के। लॉक सिस्टम होता है ओनली। आप एक बार गाड़ी की चाबी को जो है ऑन करके चेक कर लेंगे तो गाड़ी के ऑन में कोई दिक्कत नहीं है। महिंद्रा का लोगो आ चुका है डिस्प्ले के अंदर, महिंद्रा राइस आ गया भाई इसके अंदर। तो गाड़ी में कोई इशू नहीं है, गाड़ी हमारी ओके है। तो दोस्तों हमारी जो इंस्टॉलेशन डन हो चुकी है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जो दोस्त नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पुराने दोस्त हैं वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।